तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं और साथ ही क्या तैयारियां हैं 22 जनवरी को लेकर, इसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है, तमाम वीवीआईपी गेस्ट आएंगे उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, एक एक अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं और साथ ही पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो ऐसे में पूरी अयोध्या में हर तरफ तैयारियां देखी जा रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की, ये सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो अयोध्या दौरा है, हालांकि ये दौरा कुछ घंटे का है लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले हनुमानगढ़ी भी पहुंचे जहां उन्होंने दर्शन पूजन किए, रामलला के दर्शन करने भी पहुंचे और अब तैयारियों का निरीक्षण करते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर तैयारियों में जो टीमें लगी हुई है, जो अधिकारी लगे हुए हैं वो सीएम को जानकारी भी दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। जरा जानकारी के साथ में निमेश जुड़ गए। निमेश, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम देख रहे हैं अयोध्या की, बताइए कहाँ की ये तस्वीरें हैं, अयोध्या की कौन सी जगह है और आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी विकास कार्यों की निरीक्षण करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे, कानून व्यवस्था पर बैठक होगा और राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ अभी बैठक का दौर से शुरू होगा। लेकिन अभी मुख्यमंत्री फिलहाल पिछले 1.5 घंटे से राम जन्मभूमि परिसर में है, जहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के मद्देनजर जो तैयारियां हो रही हैं उसका निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रामलला का दर्शन करने के बाद निर्माणाधीन मंदिर में गए, जहां पर मंदिर की निर्माण की जो प्रगति थी उसको देखा, क्योंकि प्रतिष्ठा होनी है और प्रतिष्ठा के लिहाज से मंदिर को तैयार किया जाना है, तो अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए मुख्यमंत्री स्वयं अब प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर के सक्रिय हुए हैं और अब आज कार्यदायी संस्था के इंजीनियरों के साथ बैठक है। इसके साथ अयोध्या में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास की जो योजनाएं चल रही इसको लेकर बैठक होगी और आखिरी में राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। बैठकें लगभग शाम को 4:30 बजे तक चलनी है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी फिलहाल अपने तय शेड्यूल से करीब 1 घंटे ज्यादा से राम जन्मभूमि के परिसर में है और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वहां पर जो निरीक्षण चल रहा है, जो तैयारियां हैं उसको देख रहे हैं। जी, तो बिल्कुल ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को अयोध्या से मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर, एक एक तस्वीर आप देखिए। निमेश, बताइए किस तरह की जानकारी अधिकारियों की तरफ से साझा की जा रही है और तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि तमाम अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा जरूरी दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया है? जी देखिए, मुख्यमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए 10 तारीख की डेडलाइन तय की थी, 10 जनवरी से पहले राम मंदिर को तैयार किया जाना था, लेकिन फिलहाल जो तैयारियां हैं उससे मुख्यमंत्री बहुत संतुष्ट नहीं दिखे, क्योंकि अभी भी नगर में तमाम काम चल रहे हैं जिनको पूरा हो जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री की मंशा थी कि 15 जनवरी तक नगर प्रतिष्ठा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, लेकिन उसके बावजूद नगर में जो विकास की योजनाएं हैं उनकी गति को लेकर हल्का सा संतुष्ट है। हालांकि जो राम जन्मभूमि परिसर है उसकी तैयारी को लेकर सीएम संतुष्ट दिखे, रामलला के मंदिर को लेकर संतुष्ट दिखे, इसके अलावा भगवान के प्रतिष्ठा में जो जो जहां जहां पर लोगों को रुकना है अब उन स्थलों पर भी सीएम जाएंगे, क्योंकि सीएम इस समय जो तमाम जगह जहां पर राम भक्त रुकना है, जिन जिन जगहों पर प्रधानमंत्री के आने के वक्त वीवीआईपीओ का मूवमेंट किस द्वार से होगा, कहां होगा, तमाम विषयों पर भी चर्चा बाकी है। बहुत बड़ा आयोजन है और राम जन्मभूमि परिसर में मुख्यमंत्री जहां सीएम गरुड़ जी की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे, जड़ायु की मूर्ति का उद्घाघाटन करेंगे, उस स्थल पर जहां जाएंगे, इसको कुबेर टीला कहा जाता है, फिलहाल वहां पर है और वहां पर निरीक्षण का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी भी मौजूद है और राम मंदिर में पूरे 70 एकड़ को डेवलप किया जा रहा है, जटाऊ कुबेर टीला पर जटाऊ की मूर्ति है जिसका अनावरण करेंगे, उसके बाद प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा। तो प्रधानमंत्री किस रास्ते जाएंगे, वहां का क्या तैयारी है, इनको ग्राउंड जीरो पर जाकर मुख्यमंत्री खुद एक एक चीज राम मंदिर में इस समय देख रहे हैं कि कैसी तैयारियां हैं और क्या इसमें और विशिष्ट हो सकता है। इस तमाम चीजों को लेकर अधिकारी भी उनके साथ मौजूद है, राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी भी मौके पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। जी निमेश, इससे पहले ट्रस्ट के पदाधिकारी भी पहुंचे थे, उनकी तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई थी, आज आपने बताया कि मुख्यमंत्री भी काफी संतुष्ट नहीं नजर आए कार्यों को लेकर, क्या कुछ बदलाव भी अब किया जा सकता है तैयारियों को लेकर या फिर टीम में बढ़ोतरी की जा सकती है? वक्त बहुत ज्यादा कम बाकी है, 22 तारीख बेहद नजदीक है और ऐसे में बहुत सारी तैयारियां हैं, और ये भी बताएगा कि कहां पर ऐसी कमी है तैयारियों में जहां पर चंपत राय की तरफ से भी पहले नाराजगी जाहिर की गई थी, अभी मुख्यमंत्री भी संतुष्ट नहीं है।
देखिए सबसे अहम है नगर का तैयार होना, धर्म पथ से लेकर जन्मभूमि पथ तक मुख्यमंत्री की डेडलाइन थी कि 10 तारीख तक यानी कि 10 जनवरी तक राम जन्मभूमि परिसर जाने वाला मार्ग जिसमें राम पथ, धर्म पथ और जन्मभूमि पथ ये पूर्ण रूप से तैयार हो, जिसको बीते दिनों कल जन्मभूमि पथ के निर्माण कार्य को देखकर नृपेंद्र मिश्रा भी असंतुष्ट दिखे, उन्होंने भी इस मामले को लेकर नाराजगी व्यक्त की। और आज मुख्यमंत्री भी जब अयोध्या में पहुंचे तो जो जिन चीजों को जैसे की अभी रामलला की जो जीवन वृत्त पर आधारित तमाम जो प्रदर्शन चित्र लगाए जाने हैं, जो झांकियां सजाई जानी है वो पूरा हो जाना चाहिए था, वो नहीं पूरा हो पाया। इसके साथ साथ मार्ग को यानी कि जो टारगेट सेट किया गया था वो काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और इसी के चलते मुख्यमंत्री काफी ज्यादा संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया निमिष आपका। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18।